जय श्री गणेश जी। दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ और आज हम लाए हैं कन्या राशि वालों का राशिफल। लेकिन उससे पहले मैं सबसे कहती हूँ, वैसे ही हमेशा से, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कीजिए, और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप 8126476399 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा आपका टाइम, आपका समय कन्या राशि वालों। स्वास्थ्य के मामले में धन संपत्ति, परिवार, प्रेम, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका, तो स्वास्थ्य के मामले में कहूँगी कि माता पिता की अनदेखी ना करें। भविष्य को लेकर आपको थोड़ी सी संभावनाओं में थोड़ा सा आप सबको कन्फ्यूज़न रह सकते हैं या कुछ डाउट्स हो सकते हैं भविष्य को लेकर। ज़्यादा ना सोचें, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अच्छे समय को याद कीजिए और बुरा टाइम भी निकल जाएगा, इस बात को कायम रहिए और अपने कर्म के ऊपर ध्यान रखिए। किसी से भी आपस में टकराने से बचिए और जिनके साथ आपके वैचारिक मतभेद हैं उनसे दूर रहिए, चुप रहिए, फ़ायदा होगा। मैंने हमेशा से अपने हर वीडियो में बोला है कि जब आपको लगे कि बातचीत आपके सर से ऊपर जा रही है तो चुप रहिए। चुप रहना बेस्ट मेडिसिन होता है। बेवजह किसी से बहस ना करें तो अच्छा रहेगा। घर में किसी भी तरह का अगर आप बदलाव चाहते हैं तो बड़ों से सलाह मशवरा लेकर ही आप कोई भी बदलाव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे कोई आपसे नाखुश भी नहीं होगा, कोई आपसे नाराज़ भी नहीं होगा और आपका थोड़ा सा रवैया आपके रिश्तों में थोड़ी सी दूरी बढ़ा सकता है। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग को शांत रखिए, घबराएं नहीं, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा सरल सा आपको जो भी आपको परिणाम होंगे सकारात्मक मिलेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए आपका बोलूँगी कि थोड़ी सी आपको थोड़ा सा आपका वैवाहिक जीवन अच्छा ना हो, क्योंकि आपको थोड़ी सी लगेगी कि आपकी लाइफ में प्राइवेसी की कमी है। हो सकता है कि आप अपनी लव पार्टनर को या आपका जो मैरिड लाइफ का जो भी पार्टनर है उसको आप मिस कर रहे हो, आपके पति पत्नी या आपकी प्रेम प्रेमिका को आप मिस करें। आपको लगे कि जो एक होना चाहिए आपके रिलेशनशिप में वो आपके रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा है, तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा आपको चिंता तनाव हो सकता है। धन संपत्ति बनी रहेगी, परिवार के साथ थोड़ा तालमेल में दिक्कत आएगी। प्रेम के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में कहूँगी कि थोड़ा सा आपको कमी खल सकती है प्यार की, और व्यवसाय भी आपका औसतन ही रहेगा, बहुत अच्छा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के दिल मिला जुला है, तो रेमेडी के रूप में क्या कर सकते हैं, सफ़ेद रंग का चंदन तिलक भगवान शिव को भी लगाएं और अपने माथे पर, जवान पे, गले पे और नाभि पे लगाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। और शिव जी को वैसे भी चंदन बहुत पसंद है, ठंडा होता है, आप भी लगाइएगा। तो उम्मीद है कि आपको राशिफल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और समस्या हो तो व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू।